वेलकम टू सोई एक्सप्रेस। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा और वो भी तवे पर। तो चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा। सबसे पहले हम लेंगे एक कप मैदा और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट, यानी कि एक बड़ा चम्मच जो ईस्ट का हम इसमें डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक 1 छोटा चम्मच, आधा चम्मच चीनी, और उसके साथ ही हमने जहाँ पर गरम दूध लिया है, गरम दूध इसलिए लिया है कि जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए, तो उससे जो डो है वो जल्दी फ्लफी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लूँगी रिफाइंड ऑयल, जहाँ पर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच जो है वो वेजिटेबल ऑयल डाला है और इन सभी को मैं मिक्स कर दूँगी। दूध इसलिए मैंने जहाँ पर लिया है, जो हम ओवन में पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें जो पानी है वो काफ़ी उसमें हेल्प करता है पिज़्ज़े को फ्लफी करने में, लेकिन जब आप तवे पे बनाते हो तो तवे का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है। तो अगर आप दूध से गूंथते हो तो जो पिज़्ज़ा का बेस है वो अच्छी तरह से अंदर से पक जाता है, कच्चा बिल्कुल नहीं रहता। दूध उसको बहुत ही हेल्प करता है अंदर से पकने के लिए। आप इसको जरूर आज़मा के देख लें जी, आपका जो दूध है वो काफ़ी अच्छे तरह से इस पिज़्ज़े के डो में वर्क करेगा। तो जी देखिए, अब हम इसे हाथ से गूंद रहे हो। अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आपको लगे कि अभी थोड़ा जो डो है वो ड्राई है, तो आप इसमें कोसा पानी डालें, ठंडा बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाली हुई है। तो ईस्ट जो है वो कोसे पानी से या थोड़े से गुनगुने पानी में ही एक्टिव होती है, या फिर बिल्कुल ही आप गर्म पानी लेंगे तो वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी जितने कि वो गुनगुने पानी में होती है। तो ये देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो 2 घंटे के बाद हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब हम इसे निकालकर थोड़ा दोबारा मलेंगे और इसका एक नीट डो को अच्छी तरह से नीट करके तो इसको पिज़्ज़े के लिए रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मसलेंगे, अच्छी तरह से इसको इस तरह गूंद कर इसका एक सॉफ्ट जो है वो पेड़ा तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इस डो से लेंगे एक पेड़ा और उसको हम फ्लैट पेल लेंगे। इसमें थोड़ी सी मैंने हर्ब्स यूज़ की है, मैंने जहाँ पर थोड़ा सा बेजिल और थोड़ी सी ऑर्गेनो इस डो के ऊपर छिड़क ली थी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़े से उसके दाने। तो अगर आप चाहें तो हर्ब डालें, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, इससे थोड़ा टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। तो इसको फ्लैट पेल लेते हैं, इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है ना ही ज़्यादा पतला। वैसे आप थोड़ा इसको ठीक है रोटी से थोड़ा ज़्यादा मोटा रखें, ताकि आप तवे पर बना रहे हैं तो इसे कच्चा ना रह जाए, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। तो हम इसे धीमी आंच पर सेकेंगे, मीडियम से भी लो, थोड़ा सा फोर्क के साथ इसके ऊपर इस तरह शेद कर दें ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं। तो ये देखिए इस तरह से। तो आपको जो हीट है गैस की वो बिल्कुल ही लो मीडियम रखनी होती है, मीडियम से भी लो रखनी होती है, ताकि जी इसका जो बेस है वो अच्छी तरह से पक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। तो जब जी एक तरफ से हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। जी बिल्कुल हमें जैसे हम रोटी पकाते हैं उसी प्रोसेस के साथ करना होता है। ये देखिए बहुत ही लाइट हल्का ब्राउन इस पर कलर आया है, लेकिन जी अच्छी तरह से पक गया है। अब आप इसको ज़्यादा हीट पर ना पकाए तो ये जल भी बहुत जल्दी जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए होता है पिज़्ज़ा बेस का। तो ये एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ से लाइट ब्राउन करके हम इसे उठा लेंगे, और जहाँ पर मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा सॉस जो ये है जी रेडीमेड बाज़ार की सॉस है, ये ईज़िली आपको मिल जाती है हर स्टोर से, तो ये इसके ऊपर डाल देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूल की आती है, कोई भी आपके पास
जो है वो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पर सब्जियाँ डालनी शुरू की हैं, यहाँ पर मैंने कॉर्न और साथ ही में ग्रीन बेल पेपर और उसके साथ ही थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स और टमाटो डाल दूंगी। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी देखिए मैंने सब्जियाँ भी डाल दी। अब देखिए सब्जियाँ हमारी डल गई हैं और साथ ही में अब एक बार फिर से हम चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ अच्छी तरह से इस पर डालें, बिल्कुल इसको सब्जियों को एक तरह से आप कवर कर दें चीज़ के साथ, तो ये बहुत ही यमी बनेगा और बच्चों को ये ज़्यादा चीज़ वाला पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही पसंद आता है। तो सारी चीज़ मैंने डाल दी है, इसके नीचे भी चीज़ डली हुई है। तो अब हम इसे रखेंगे तवे पर। तो अब हम एक ऐसे स्टील का बाउल लेकर इसको कवर कर देंगे। जो भी आपके पास इस तरह के बर्तन अवेलेबल हो, या फिर पैन का कोई ढक्कन कांच का हो, उसको भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने उसे उठाकर देखा है, तो ये अच्छी तरह से पका हुआ है, बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो चुकी है और बेस तो पहले से ही हमारा पका हुआ था। तो इस तरह आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, 10 से भी कम मिनटों में ये पककर तैयार हो जाता है। और इसका जो अंदर की ब्रेड है वो भी अच्छी तरह से पकी हुई है, आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है किसी भी तरफ से और चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप इसे घर पर बनाएं, और एक तो ये बहुत ही हाइजीनिक होता है। तो अगर आप इस आपके पास ऑर्गेनो और बेसिल है तो आप इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर दें, उसका छिड़क दें, ये देखिए इस तरह से, तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इसी तरह अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाएं और उन्हें सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।